नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गवर्नमेंट वेरिफाइड ऑनलाइन कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रही हूँ। यह ऑनलाइन कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे और आपको यह जॉब में भी काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इसकी आपकी एक वेबसाइट होती है, वो होती है ई स्किल इंडिया। मैं यहाँ पे नया टैब दे लेती हूँ, मैं यहाँ पे डालती हूँ ई स्किल इंडिया .org। ये आपका जो ऑफिशियल पेज आपकी ये खुल चुकी है, यहाँ से आप फ्री सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो। ये सिर्फ कुछ ही कोर्सेस में होती है। अगर आप यहाँ पे पहले से हो तो आप यहाँ पे साइन इन करोगे। अगर आप यहाँ पे न्यू यूजर हो तो साइन अप एज न्यू यूजर पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट योर एंटर योर फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे लास्ट नेम। यहाँ आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे। अगर आप अपना मोबाइल नंबर के डब्बा डालने के बाद यहाँ आपको वेरीफाई भी करना होगा। ये मेरा जो मोबाइल नंबर है ये पहले से रजिस्टर्ड है, तो प्लीज आपको यहाँ पे डिफरेंट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे वेरीफाई करती हूँ उसे। यहाँ पर आपको वन टाइम पासवर्ड मिलेगा इस नंबर पे, तो आपको यहाँ पे ओटीपी डालनी होगी। यहाँ पर आप अपनी ओटीपी डालोगे। देन वेरीफाई पर आप क्लिक करोगे। ये आपकी वेरीफाई हो चुकी है। फिर आप यहाँ पे ईमेल आईडी पे जो वेरीफाई ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करोगे। ये ईमेल आईडी, इस पे जो ओटीपी आएगी वो आप सीधे ईमेल आईडी पे आएगी। आपको यहाँ वेरीफाई पर ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाइड कर देनी है। यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपके ईयर ऑफ बर्थ, स्टेट उत्तर प्रदेश, आपकी जो भी स्टेट है पूरा। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है अपना। री एंटर पासवर्ड। देन आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनएसडीसी। इसे क्लिक करने से पहले आपको ये पूरा फॉर्म अच्छी तरह से आपको देख लेना है, ये आपके ठीक है या नहीं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई हो चुका है, मेल आईडी, जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ, पासवर्ड आपको डालना है। आई एक्सेप्ट इन टर्म्स आपको चेक करने के बाद आपको ये फिर क्लिक करना है। एक्सेप्ट एंड सबमिट। आपको आपका जो ईमेल आईडी आपने डाली थी वो आपको यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है जो आपने जनरेट किया था। मैंने यहाँ पे जो ईमेल आईडी डाली थी वो आपको मैं यहाँ पे डालूंगी। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला था वो डालूंगी। इसके बाद आपको आई एम एन नॉट अ रोबोट इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट और स्क्वायर भी ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पे हो रहा है वो आपको जो भी पूछेगा आपको उसके आंसर्स देने होंगे। मैंने आपको ये आंसर दे दिए, आपको वेरीफाई करना होगा।
अब आपको यहाँ पर जो भी आपको कोर्स सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको मॉड्यूल मिलेंगे पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए, फिर आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट फ्री में मिल सकता है जो कि गवर्नमेंट इशूड होगा। मैं यहाँ पे डोमेस्टिक डाटा एंट्री के लिए आप अप्लाई कर रही हूँ, फिर आप यहाँ पे फ्री पे क्लिक करोगे। यहाँ पर इधर आपको ये पूरी डिटेल्स आपको देख लेनी है। यहाँ पे नेम आपका है डाटा डोमेस्टिक आपका ऑपरेटर इंग्लिश, आपको इंग्लिश में करना है, हिंदी में आपके ऑप्शन दे रखे थे उधर। लैंग्वेज इंग्लिश है आपकी, ड्यूरेशन आपका 20 आवर्स का है, सेक्टर आपका IT ITES है, रिलेटेड है आपका SSC से है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसका प्राइस जो है वो फ्री है, ये अवेलेबल फुल टाइम के लिए है। इसकी जो प्री क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 9 to 10। मैं यहाँ पर ये एनरोल नाउ कर देती हूँ। ओके, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आपका नेक्स्ट कर लेना है आपको। स्किल्स ट्रेनर्स का जो एक्वायर स्किल एनीवेयर एनी टाइम आपको यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर इंग्लिश, ये आपके पूरे मॉड्यूल हैं, आपको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है असेसमेंट एंड सर्टिफिकेट, तो आपको जो भी है और क्वेश्चंस जो है वो आपके मैंडेटरी है। कंप्लीट द कोर्स ओपन एंड लर्न एवरी मॉड्यूल, आपको पूरा कोर्स अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक ऑन द सर्टिफिकेट टैब, नीचे आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक ऑन माई व्यू माई सर्टिफिकेट टैब, वो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना फाइनल असेसमेंट टेस्ट दे सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, डीओ मॉड्यूल फर्स्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देन एंटर। तो ये आपका ये डीओ जो है फर्स्ट मॉड्यूल आपका फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको डे वन है, ये आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना होगा। मैं फिलहाल के लिए बंद कर देती हूँ। तो आपके फुल कोर्स आपको कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट गेन मिल सकता है, और आप इसमें कोई भी कोर्स कर सकते हो। और ये आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका गवर्नमेंट इशू होगा, ये मैंने आपको पहले इंट्रो में दे चुका था, बोल दिया था। और ये आपको जॉब के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।